हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय श्री कृष्णा। तो आज का जो व्लॉग है वो आप सबका मोस्ट 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 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, डिमांडेड व्लॉग है। क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग के कमेंट्स पढ़े, उसमें मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि जो सेइंग यस फॉर 24 आवर्स चैलेंज है वो अब तान्या दीदी से करवाओ। तुम्हारी तान्या दीदी से करवा रहा हूँ अब मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो देखते हैं ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी चैलेंज। सबसे पहले तो ये अपनी नई सिपर फ्लॉन्ट कर रही है जो इसने मंगाया है, इसने अमेजोन से ऑर्डर करा है। ये बहुत अच्छा लगा इसको, जहां पर जा रही है इसे लेकर घूम रही है, सबको फ्लॉन्ट कर रही है। ये देखो मेरी नई सिपर। इसकी वजह से मैं पानी भी ज्यादा पी पा रही हूँ, क्योंकि मैं सारी टाइम इसमें से पानी पीती रहती हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसमें से पानी पीने में। दूसरी चीज, मैं इस ब्लॉग को बनाने के हित में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लास्ट टाइम मुझसे इरिटेट हुआ था और ये मुझसे बहुत फालतू के काम करवाएगा, इसलिए मैं नहीं मान रही हूँ। ये अपने आप से ही बोला कि आज हम ये वाला ब्लॉग बनाने वाले हैं। अब मैं इसे बताऊंगा घिनौनियत की हद क्या होती है। ठीक है, तो घिनौना वर्ड यूज किया आपने, घिनौनियत की हद। अरे मुझे पता है ही कुछ नहीं करवा पाएगा मुझसे, मुझे पता है सीधा सा पति है मेरा। अच्छा, अभी पता लगेगा तुझे कितना सीधा हूँ, जलेबी के जैसा सीधा हूँ मैं। अपने आप से ही बोल रहा है कि अब मैं तुझे अपना पहला काम बताऊंगा। अब पता नहीं मैं वो काम करूंगी कि नहीं करूंगी, देख लेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि राजा बेटा को शेव की जरूरत है, पूरी बढ़िया सी झाग बना के शेव करो। मुझे शेव नहीं करनी आती शिवम भाई, तो काम दिया करी नहीं है, काम दिया तो करो अच्छी तरह। और हाथ से अपने, ओह गॉड, ओह शिट, होली शिट, वो कटवट नहीं लगेगा, उसकी टेंशन ना ले। रेजर मैं खुद यूज करूंगा, इतना मैं विश्वास नहीं करता लड़कियों पे। तो मतलब मुझे सिर्फ फोम लगाना, फोम लगानी है और अपने हाथ से लगानी है यूं करके अच्छी तरह, और पूरा हाथ और पूरा बैक वाला हाथ भी यूज होना चाहिए। अरे चल ठीक ब्रदर, यही है भाई, जब है यही जाओ लेकर आओ। पहले तो अंदर से एक डब्बे में पानी भर के लाना, ठीक है, डब्बे में, क्योंकि उसको ऐसे करूंगा ना मैं रेजर, जब मतलब मग में भर के ले आऊं। हाँ, मग्गे में, ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं है, ऐड में मग्गे में पानी भर के, एक टॉवल, वो वाला जो हैंड टॉवल होता है वो, और प्रॉपर अच्छी तरह इक्विपमेंट्स लेकर आओ। इक्विपमेंट्स, वो जो शेप वाले इक्विपमेंट्स होते हैं। मैं तुझे नहीं लग रही हूं, अबे ओ, राजा बेटा को हाथ कोई नहीं लगाएगा, अंदर से लेकर आओ, जाओ। ये लो, आओ जी आओ, पधारो मारो देश। क्या क्या चाहिए था? मग में पानी, मग, टॉवल, जिलेट, यस, और हाँ शेविंग फोम। तो कर दिया जाए स्टार्ट, तो ऐसा कर दू, सुन, फोन को ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ ताकि लोग अच्छी तरह देख पाए। तो ठीक है, फोन को ट्राइपॉड पे लगाओ। मैं लगाऊं? यस, टूट के लगा लो यार, राजा बेटा के लिए इतना नहीं कर सकते। कौन राजा बेटा? सेइंग यस, घर का होगा तो राजा बेटा। सेइंग सेइंग यस फॉर 24 आवर्स, यू बुलशिट। नानी, अच्छा मैं मजाक कर लूंगा, मजाक कर लूंगा। जाके फोन को चार्ज पे लगा, वो उस पे ट्राइपॉड पे लगा के आ जाओ। अच्छा लगा रहा हूं। तो स्टार्ट करने से पहले आप इस फोम को अपने हाथ पे लगाओ। कितना अच्छा सा है इसका, ये डायरेक्ट ऐसे ही लगा देती हूँ ना। हाथ पे लगाओ, हाथ, मैं कह रहा हूँ पूरा हाथ आगे से और पूरा हाथ पीछे से, यूं करके लगाना। तो यूं करके, यूं क्या यार, सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। मुझे थोड़ी, चलो मेरा मूड खराब हो गया ऐसे देख के भी, पहले मुझे कोई फ्रूट खिलाओ बढ़िया सा। भाई मेरा मन नहीं है अभी, तूने मेरा मूड खराब कर दिया ऐसे करके। तू पहले कोई अच्छा सा फ्रूट कैसे करा मैंने? ये ऐसे थोड़ी ना करते हैं, थोड़ा प्यार से प्रेम से होना चाहिए। मेरे हाथ पे लग रही है, मैं बुलाने लग रही है तो ना, प्लीज ऐसी होती भाई, लड़कियां ऐसी होती है कि मेरा हाथ पे लग रही है, क्या लग रही है, फोम ही तो है, फोम लगी हुई है ना, अजीब सा लग रहा है। हां अच्छा, घुमा रही है बात को, इसने इस तरीके से बोला मेरे हाथ पे लग रही है, जैसे जैसे चुभ रहा हो, इसके अंदर कुछ डला हुआ हो। फिलहाल बेबी जाओ अपना हाथ धो और मेरे को कोई अच्छा सा फ्रूट खिलाओ, उसके बाद मैं शेव करवाऊंगा। भी पहले करवा लो फिर फ्रूट खिला दूंगी। पहले फ्रूट खाने का दिल है राजा बेटा का। कौन राजा बेटा? राजा बेटा का पहले फ्रूट खाने का मन है, उसके बाद राजा बेटा अपनी शेव करवाएगा। अब इसको क्या करोगे, धो दो, धो, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट करो, गलत बात है, चीजें वेस्ट नहीं करनी चाहिए शिवम।
वेस्ट करो, जाओ चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। थोड़ा आराम से काटना ठीक है, बढ़िया मीठा होना चाहिए फ्रूट। वाटरमेलन काट रही है, ये मुझे नहीं पता ना मीठा होगा या नहीं होगा, ये मैं कैसे बता सकती। बट राजा बेटा को मीठा ही खाने का, चीनी डाल के दे दूंगी तेरे को इसके ऊपर। राजा बेटा इरिटेटिंग हर नहीं है, सेइंग यस टू हर, इरिटेटिंग हर नहीं है, सेइंग यस टू हिम है। गाइस ये देखो मटका, ये शिवम का फ्रेंड जो आदि है ना वो लेकर आया है हमारे लिए, तो आज से हम इसका पानी पीना स्टार्ट कर चुके हैं। यस, गर्मियों में आप लोग भी मटके का पानी पीते हो क्या, बताओ? नहीं। मटके का पानी अच्छा रहता है वैसे, मटके का पानी अच्छा होता है। खैर इस टॉपिक को छोड़ के मैं वापस उस टॉपिक पे आता हूँ, मुझे खुद ऐसी फील आ रही है कि ये वाला व्लॉग सेइंग यस टू हिम नहीं बल्कि इरिटेटिंग सेइंग यस टू हिम नहीं सेइंग यस टू हर। अच्छा हाँ, सेइंग यस टू हिम और इरिटेटिंग हर। ओ भाई ले आ यार, इतनी देर लगती है क्या फ्रूट लाने में यार? 2 hours later। अरे ला रही हूँ यार शिवम, इतना बड़ा वाटरमेलन है काटने में टाइम नहीं लगेगा क्या? इससे अच्छा तो मैं कोई काम वाली रख लेता भाई। काम वाली मुंह तोड़ दूंगी तेरा, तू ना सेइंग यस वाले टॉपिक पर स्टिक रह ले, इरिटेट मत कर मेरे को, इतना बड़ा वाटरमेलन ने काटने में टाइम नहीं लगेगा। चल अब इस वाटरमेलन पे ये थोड़ी सी फोम लगा, इस वाटरमेलन पे थोड़ी सी फोम लगा और इसको अपने आप पर लगा ऐसे। लड़की को फोम यहाँ पे लगाने के लिए थोड़ी बोल सकता है यार, लड़की हो गया भाई, लड़की का इंसान हो गया। बाल उग गए, मेरी दाढ़ी उग गई, फिर शिवम बकवास नहीं, फिर जो लोग जिनकी दाढ़ी नहीं आ रही ना वो सब फोम लगा लो, उनकी दाढ़ी उग जाएगी। मैं ये नहीं करूंगी यार, क्या है यार ये मजा आ गया। मैं फोम थोड़ी लगा सकती हूं कभी, मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। एक ऐसे और एक ऐसे, बस नहीं पूरा यू नहीं करने को कह रहा शिवम, प्लीज बेबी समझ, बेबी नहीं समझेगा राजा बेटा, आज बेबी बाल निकल गए, तेरी बीवी की दाढ़ी आ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं शेव कर दिया करूंगा। तू ये खा बेबी, तू ये खा बस। अच्छा वाटरमेलन, शिवम प्लीज, शिवम प्लीज, शिवम प्लीज, नो गॉड, नो गॉड प्लीज नो, मैं सारे में कर दूंगा। पागल इतना सारा खाना वेस्ट करेगा क्या? मुझे इतना पता, खाना कभी वेस्ट नहीं हो सकता। इस दुनिया में कुदरत ने इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं कि तू कूड़े में मिट्टी में भी फेंक देना कुछ ना कुछ खा लेगा, वेस्ट तो नहीं है। कुदरत खा लेगी कोई बात नहीं, डीकम्पोज हो जाएगा, मत बताओ डीकम्पोज हो जाएगा। यार ओ सॉरी, ओ ओ मैंने बीच में डालना था गलती से, सोचो अगर इसके मुंह में चला जाता। वाटरमेलन मत वेस्ट कर, खाना नहीं वेस्ट कर से, हाँ मैं उंगली से ऐसे नहीं लगाऊंगी, मैं चाटा मार दूंगा अपने आप को, तेरे को नहीं मार सकता कभी। थोड़ी सी लगा ले, चाहे एक ड्रॉप लगा ले, चल ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि वो वैसे दिक्कत हुई, तूने स्किन केयर भी करा हुआ है, वो खराब हो जाएगा सारा, बट मैं इतना कोऑपरेट कर सकता हूँ कि एक ड्रॉप लगाओ उंगली पे और ऐसे लगाते हैं वैसे बोलना, अंग लगा दे रे, उंगली रंग लगा दे होता है वो। सॉरी, अंग लगा दे रे, रंग लगा दे रे, फिर दूसरी साइड मोहे रंग लगा दे रे, आउच ऐसे करना है, आउच क्लास में आउच करना है। रंग लगा दे रे, ठीक है रंग लगा दे, आजा मैं कैंसिल कर दूंगा, और तूने दूसरे मोहे के बाद स्टार्ट होना चाहिए, रंग लगा दे रे, फिर मोहे पे नहीं लगना, रे पे हटा लेना, रंग लगा दे रे मोहे रंग लगा, रंग पे टच होना चाहिए ठीक। प्लीज थोड़ा सा बेबी प्लीज, यस वाले डेयर पे मुझे कमेंट सेक्शन भरे हुए चाहिए, सुपर थैंक्स के पैसों से नीचे। थैंक यू गाइस, शेविंग क्रीम अपने फेस पे लगा रही हूँ। इस व्लॉग को देखते ही इसे लाइक कर दो, पहले सबसे पहले आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो व्लॉग को, प्लीज लाइक कर दो और सुपर थैंक्स भी भेज दो थोड़े से। वो क्या होता है सुपर थैंक्स में? पैसे भी, पैसा ही पैसा हो गया। आप बस वीडियो को लाइक करो यार, चलो रंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, ठीक है 1 2 3 गो, रंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे।
ये क्या बदतमीजी है? अच्छा ले सुअर अभी जो मुंह में है वो तो खाने दे रही। खा बेबी। राजा बेटा को गुस्सा आ गया ना अपने। ए राजा बेटा खाओ। अपने सेनापति को बोल के अपनी सेना चलाऊंगा। खाओ राजा बेटा खाओ खाओ खाओ। अबे साले खाओ ना खाओ खाओ। अबे साले परा हो जा। परे हो जा। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, थोड़े दिन रह गए हैं, तो हो सकता है हम बीच में थोड़े से उधर ऑक्यूपाइड हो जाएं शिफ्टिंग के टाइम पे और ब्लॉग्स थोड़े से लेट आए, उसके लिए अभी से ही मैं सॉरी बोल रही हूँ। टेंशन ना ले, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टाइम पे भी रेगुलर रहें और हो सकता है हम ना ही इरेगुलर हो, हम रेगुलर ही रहें, बस आपको हम सारी शिफ्टिंग दिखा देंगे तो शिफ्टिंग देखते रहना क्या क्या मतलब चल रहा। हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम रेगुलर ही रहें, लेकिन अगर 1% हम इरेगुलर हो गए थोड़ा सा तो उसके लिए पहले से ही सॉरी है। जैसे शिफ्टिंग के डेज पास आ रहे तो अब हमारे को रोज वहां पे जाना पड़ता है, तो हम ये खा के थोड़ी देर में उधर जाएंगे, जब भैया वहां पे जो इंटीरियर डिजाइनर है वो आएंगे तो हम वहां पे जाएंगे। बाकी भाई ये काम बहुत 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 डिफिकल्ट है, चाहे कारपेंटर्स हो चाहे इंटीरियर डिजाइनर हो चाहे फ्लैट वाले बंदे, उनसे काम निकलवाना बहुत डिफिकल्ट है। और जिसने भी कहा है सही कहा है, ये लोग कभी टाइम पे काम नहीं करके देते हैं, हम तो बहुत परेशान हो गए हम। सो गाइस अब आ गया है वो टाइम जिस टाइम पे तान्या जी हमें शेविंग फोम लगाएंगे। ये नहीं करूंगी, ये तो नहीं यार, नहीं, ये नहीं, नहीं। मैं प्लीज अब मेरा मन कर रहा है, प्लीज अगर गलती से भी कट लग गया ना दिक्कत आ जाएगी। कैसे करते हैं, बस ऐसे ही करते हैं या इसे भी दबाते हैं? नहीं ये किसने होता है, ब्लेड बाहर आ जाएगा ऐसे दबाएगी तो। ढंग से लगाइयो ब्लेड को, कभी ढंग से ब्लेड ना लगे और बाद में तेरे कट लग जाए तो तू मुझे बोले कि तेरी वजह से कट लगा। अबे चल चलना, तुझे लगता मैं तेरे से डरता हूँ? मैं किसी चीज से नहीं डरता, खासकर अपनी बीवी से। गाइस मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, इसे जब बोलता हूँ ना सुबह उठते ही सबसे पहले से बोलता हूँ गर्म पानी लेकर आ, गर्म पानी लेकर आती है क्योंकि मुझे ठंडे पानी से बर्तन धोना पसंद नहीं है। बढ़िया था ना, मैं चिकना सा होने का दिल कर रहा है मेरा। हाँ बीवी ने जो सारा काम करना था चिकना भी होना ही होगा इसको। ah, so cute! Yay! So cute! Yay! अब इसको क्या करूं? ऐसे ऐसे करके आ गया, निकाल दिया, हल्का सा निकालना बिल्कुल। हाँ इतना सारा निकाल दिया। वैसे मैं तेरे को सच बताऊं, जब मैं बचपन में मूवीज देखती थी और लड़कियों को देखती थी ना ऐसे शेव करते हुए, ओ ऐसे सॉरी ऐसे शेव करते हुए देखती थी, तो फिर मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं भी जब मेरी शादी हो जाएगी ना शिवम से तो फिर उसको ऐसे शेव किया करूंगी। मुझे पता है ये चीज सेम मैंने भी सोची थी कि जब शादी होगी ना तान्या से तो तान्या से एक बार मैं शेव जरूर करूंगा, बट मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे करूंगी। मूवीज में दिखाते हैं ना जब हीरो हीरोइन ये कर रहे होते हैं, हीरोइन शेव कर रही होती है क्यूट सा, साथ में ब्रश कर रहे होते हैं। ब्रश तो हम कर चुके हैं, ब्रश तो नहीं करा। आराम से कर रही हूँ ना, लगे तो बता दियो पहले ही। मजाक कर रहा था, थप्पड़ मारूंगी मैं, मत कर ऐसे, मैं पहले ही डर डर के कर रही हूँ। मैं वैसे इमेजिन कर रहा हूँ इसके ऊपर तो थप्पड़ मारूंगी तो कैसा फील आएगा, उड़ेगा थोड़ा सा तेरे मुंह पे आएगा। प्लीज बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर रही है तान्या, कर ही नहीं रही तू तो, टच भी नहीं हो रहा। हाँ डिजाइनर रहने दे मेरे को करने दे। दर्द हो रही है? नहीं दर्द नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ढंग से नहीं कर गलत हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, कट लगने से अच्छा है कि अपने आप ही कर ले। गाइस तो शिवम हो चुका है चिकना, देखो कितनी बढ़िया शेव करी है मैंने, दिखाना एक मिनट अपनी शक्ल। तूने क्या करी है, तूने तो झाग लगाई है ना, तूने तो सिर्फ झाग झाग लगाई है। हां तो मैंने ट्राई तो करी थी ना, रेजर तो मैंने ही चलाया था। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, हमें फ्लैट जाना है, उससे पहले हम जाएंगे गाय को खाना डालने के लिए थोड़ा सा, और उसके बाद हम निकलेंगे फ्लैट के लिए। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैट भी दिखा दूंगी, आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट देते रहते हैं जिससे आपको थोड़ी सी चुल चुल सी होती रहे। तीन गायें हैं, अरे यहीं डालते हैं। ये गाय है सांड है, गाय सांड जो भी है आराम से करना, आपने रेडी क्यों, आदमियों की कोई इज्जत नहीं है, आदमी नहीं खा सकता। नहीं वो कहते हैं ना सांड रेड कलर के पीछे हो जाता है, आपने थोड़ा ऑरेंजिश रेड पहना है। शिवम ज्यादा अंदर मत जाओ, कभी सांप हो यहाँ पे। गाइस इस प्लॉट में ना, मतलब इस प्लॉट में भी हमारे उसमें भी थोड़े बहुत सांप है यार यहाँ पे। कैसे हो गए बक्के?
गुड। तो हम आ गए हैं हमारी बिल्डिंग में, यहाँ पर फ्लैट है। तो ताने तेरा अगला वो है, यस ये है कि जंप मार मार के चढ़ना है तुम्हें। अगला ये है कि जंप मार मार के स्टेयर्स पे चढ़ेगी। लेग्स करी है, प्लीज ऐसे तो मत दर्द है। ट्राई कर, चलो ट्राई कर सकती है तू, चल चल। लोग हंस रहे हैं वहां पे। तो गाइज अभी कुछ ये हालत है फ्लैट की, ये देखो पेंट भी चल रहा है अभी, शायद एक कोट रह गया। शिवम एक कोट रह गया, सारा हो गया पेंट। एक कोट शायद रह गया। गाइज यहाँ पे बहुत तेज आंधी आ गई है, एकदम से ये देखो। और यहाँ पे गेट्स में भी हैंडल नहीं लगे हुए, तो ये गेट इतनी तेज तेज पटक के जा रहे हैं अपने आप ही। तो हम लोग फ्लैट से निकल चुके हैं बहुत ही सारी बहस और लड़ाई लड़ाई करने के बाद, और मौसम इतना अच्छा हो गया, वो जो इतनी तेज तांधी तूफान से आ रहे थे ना, बारिश तांधी नहीं आंधी, तांधी बोली तू, तांधी। अब वो जो बारिश, पहले बता तू तांधी बोली या आंधी बोली? मैं आंधी ही बोल रही थी, क्या पता तांधी निकल गया, लेकिन मैं फंबल कर रही थी। प्रूफ है, पकड़ी जाऊंगी, झूठ तो बोल नहीं सकती। अदरवाइज अगर कैमरा नहीं ऑन होता तो कहती मैंने तो आंधी बोला था। अड़ जाती है अपनी बात पे तू। अरे नहीं भाई, मैंने चलो ठीक है, जो भी है, जो आंधी तूफान आ रहा था अब वो बारिश आ चुकी है। वो देखो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, ये देखो पानी आ गया पूरा अंदर। सॉरी गाइस, बंद करना पड़ेगा। मेरा दिल सा हो रहा था पार्क की ठंडी हवा खाने का। गाइस बारिश रुक चुकी है, अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इस ठंडी ठंडी हवा में मेरा दिल कर रहा था, सॉरी मैं चश्मा उतार दूं ताकि मैं ज्यादा स्मार्ट दिखूं लड़कियों को। तो मेरा दिल कर रहा था इस ठंडी ठंडी हवाओं में एक बढ़िया सा डांस देखने को मिल जाता, छम छम छम, बारिश वैसे ही आ रहा है, आ रही है, आ रही थी। तो डांस कर, लोग हैं तो लोगों को भी डांस देखने को मिल जाएगा। अच्छा तू संस्कारी डांस कर रही है, तू कौन सा शीला की जवानी पे? आंटी खड़ी है उधर, आंटी वो डाल के बैठी हुई चेयर, यहाँ से देख ये भी जा रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। अच्छा क्या यार, देख पागल है क्या, मैं छम 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 पे कर रही है यार। तू बचपन में करती रही थी गली में, कितना डांस करती थी छोटे होते। बचपन था यार वो, अब मैं इतनी बड़ी हो गई, शादी हो गई है मेरी। अबे चल बड़ी हो गई है, दिल से हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए। अरे तो दिल से मैं बच्ची हूँ यार, देख शम बहुत लोग। दिल तो बच्चा है जी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैंने तुझे फ्लैट के अंदर नचवाया था, तू बाहर पार्क में लोगों के सामने करवा रहा है, दादी जी भी आ गए सामने वाले। यार मैं नचवा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं एक स्टेप कह रहा हूँ सिर्फ, ना चूम मैं आज छम छम, वो भी पैरों का स्टेप है, तुझे पूरा कूदना थोड़ी ना है यहाँ पर। कुछ नहीं मानने वाला तू, शीला की जवानी थोड़ी ना करनी, नहीं मानने वाला। चलो देख बच्चे भी आ गए, कोई बात नहीं, बच्चे भी आ गए, दादी जी ये बच्चे आ गए, तो क्या हो गया चल। देख लो गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये देखो दादी जी भी आ गए, और ये इंसान मुझे नाचने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। एक स्टेप कर दे, क्या हो गया भाई, इतना तो चल सकता है बच्चा, तो यहाँ पे खड़ा ही हो गया। तो क्या हो गया, बढ़िया देख लेगा वो। चल तू गाने गा, थोड़ी दूर हो, दूर जा, मुझे स्टेप आता नहीं, कैसे दूर जा, कुछ नहीं पैर का होता है, नाचू मैं आज कैसे करके, तो बता पैसे छम छम छम, नाचू मैं आज छम 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 छम, इतना शर्मा के नहीं, इतना शर्मा के नहीं कर, नाचू मैं आज छम 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 छम, बढ़िया से रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोबारा कर दे अभी चल। लाइट कम थी थोड़ी सी, लाइट कम थी, बड़े सारे लड़के आ गए, इसने लड़कों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अबे लड़के आ गए, मैं नहीं डालूंगा ये पार्ट। ये देखो मेरा डांस देख के बच्चा पूछ रहा है व्लॉग बनाते हो, आईडी पूछ रहा है हमारी, ठीक है बेटा सब्सक्राइब कर लेना, ओके हाँ, आप भी व्लॉग में आ रहे हो, सब्सक्राइब भी प्लीज सब्सक्राइब करो भैया को, सब्सक्राइब करो, ओके। तो गाइस मैं तो मस्त जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ, मैंने अपनी जीन्स चेंज करके अपनी जिम की जिम टाइट्स डाल ली हैं, और पोनी बन चुकी है, और शिवम भी रेडी है, देखो ये रहा शिवम, मैं रेडी हो रही हूँ। हो रही है कैमरा, एक मिनट शर्ट हटाना, हटाओ तो शर्ट हटाओ यार, हटाओ यार, लड़कियां पागल हो जाएंगी, जल्दी हटाओ, तेरा मोटा पेट देख के। I'll have to ask my accountant about that. नहीं मेरे एब्स देख कर दिखाना, थोड़ा सा
एक बिस्किट दिखा दो। बिस्किट अंजी कैसी चल रही है जिम? बहुत बेकार। क्यों? थक गई। थक गई? चल मैं थोड़ा इजी कर दूँ तेरे लिए ताकि थकान दूर हो जाए। क्या? हैंड्स अप कर। क्यों? हैंड्स अप कर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। जल्दी हैंड्स अप कर, चल हैंड्स अप। दोनों 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 चलो। पहले चिड़िया की तरह रनिंग कर, चिड़िया की तरह करते हुए रनिंग रनिंग सेवन पे। चल सेवन पे कर, इंक्लाइन जीरो कर दे चिड़िया। नहीं नहीं करते रहो, करते रहो, एक मिनट तक करते रहो। एक मिनट नहीं ऐसे है ना, गलत करिए तो जान के करिए, प्रॉपर अच्छी तरह, अच्छी तरह। हाँ परियों के जैसे। चल सारे तेरे को देख रहे हैं पीछे। चिड़िया चल चल चिड़िया 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 यस लाइक माय चिड़िया। अच्छे से तुम एक बार कर दो, एक बार कर दे। कोई बात नहीं, एक बार और। बीस सेकंड और, बीस सेकंड और, जल्दी बीस सेकंड और, जल्दी 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 भाव। चल अच्छी तरह चिड़िया होगा, अच्छी तरह चल चल उड़ा, चिड़िया उड़ा, चिड़िया उड़ा, उड़ाती है तने उड़ा, तने उड़ा। पंख लग गया उसके, पंख लग गया उसके, पंख लग गया। चल उड़ा चिड़िया, अभी तक हमें पंख काटते नहीं हैं, दो मिनट में शर्म हो गया है। अभी से मुझे मजा नहीं, आपको मजा आ रहा है? नहीं नहीं आया ना, अच्छे से उड़ा चिड़िया, अच्छी तरह उड़ाओ चिड़िया। कैसे उड़ाते हैं? चल थोड़ा हाइट पर, अभी नीचे नीचे उड़ रही है तो ऊपर तक जा। तो तेरे को यहाँ से वही चिड़िया बनते हुए भागना है, जो हमारे ट्रेनर भैया हैं मनी भैया उनके आगे तक जाना है। दूसरी साइड है भैया, ये खड़े हैं भैया, ये यहाँ से चिड़िया बनते हुए भागता उनके आगे जाना है, चिड़िया बन के वहाँ से घूम के वापस आना। नहीं 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 मेरे को मजा नहीं आ रहा। अच्छा तो गाइस अब हम आए हैं थोड़ा सा घर का सामान लेने, और यहाँ पर मैं इसे एक छोटा सा टास्क और दूंगा, और वो टास्क होगा यहाँ पर जमीन पे बैठ के वो करना है कि मुझे चाहिए यार। पता है मुझे मैंने इतना हार्श नहीं किया था, तेरे साथ मैंने जो किया था ना घर के अंदर किया भी नहीं। तो मैं बदला निकाल रहा हूँ ना, रेड राइस पोहा। रेड राइस पोहा, इसमें प्रोटीन हाई होता है? पता नहीं, चेक कर, इसमें प्रोटीन ज्यादा है। मुझे चिज्जी लेके दो, मुझे चिज्जी लेके दो। टांगों में दर्द हो रही है, ये करवा रहे हैं। बोल चिज्जी लेके दो, चिज्जी लेके दो, तेज तेज रोते हुए। हाँ मुझे चिज्जी लेके दो जल्दी। मुझे चिज्जी लेके दो, चिज्जी लेके दो मुझे। ये तो विम बार है, विम बार लेके दो। काहे चिज्जी, या तो चिज्जी नहीं है। मसाले लेके दो, चला जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा। इतना डिस्गस्टिंग है, इस दुकान पे आना छोड़ना पड़ेगा मुझे, करा दी मेरी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जिम से, थोड़ा बहुत हमने खा पी भी लिया है। आप लोगों को तो आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि आज इसने जो मेरी फालतू की बेइज्जती करवाई है ना बाहर, मैंने जो इसके साथ गलत किया था वो सब कुछ घर के अंदर किया था, बाहर मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक बैग पकड़वाया था इसको, और वो भी कोई ने नहीं देखा था, सिर्फ एक भैया ने देखा था। और इसने और इसने जो जो किया सब कुछ बाहर किया, इतने सारे लोगों के सामने इसने मेरी बेइज्जती करवाई है आज। गाइस गर्मियों का मतलब है आम। आई हाय मैंने पानी गिरा दिया। अच्छा सॉरी, आई लव इट, मैं बहुत आम खाता हूँ गाइस। मेरे को अगर दिन में आम मिल जाए तो मैं सारा दिन आम ही खाता रहता हूँ, सुबह से रात तक। गाइस अब आपको नेक्स्ट व्लॉग कैसा चाहिए, क्या चैलेंज चाहिए, क्या प्रैंक चाहिए? अगर कोई प्रैंक चाहिए शिवम पे तो मुझे पर्सनली मैसेज करके बताना। गाइस चाय के अंदर फैन खाना किसको पसंद है, फैन डुबो डुबो के आज मैं आप सबके मुंह में पानी ले आऊंगा। गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ, और व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।